खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों के सम्मान और उत्तराधिकारियों की अस्तित्व की रक्षा के लिए दो दिवसीय कार्यक्रम सेक्टर एक में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल पहुंचे। इसके साथ ही 22 राज्यों से आए स्वतंत्रता सेनानियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी और राज्यसभा सांसद बंसल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जो आजादी आज हमें मिली है और जिस देश में हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वह इन स्वतंत्रता सेनानियों की देन है। किसी भी राज्य में कोई भी सरकार हो सकती है, सभी को इन बचे हुए स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार समिति ये एक एनजीओ तो नहीं कह सकते हैं, एक स्वेच्छा से बनाया हुआ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो उत्तराधिकारी है, उन्होंने ये संगठन बनाया है और उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम जो हमारे पूर्वजों ने त्याग किया, बलिदान किया, उसके अनुरूप भारत को बनाएंगे। और भारत अभी आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हम आर्थिक क्षेत्र में और विशेष करके सांस्कृतिक क्षेत्र में हम आज़ाद हैं, हम दुनिया में जगत गुरु हैं, ये हमारा संकल्प है। ये लेकर के लोग चले हैं। मुझे लगता है आज यहाँ 22 प्रदेशों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आए हैं या उनके परिवार के लोग आए हैं, ये राष्ट्र निर्माण में अपना साथ देंगे और मुझे लगता है कि सरकार भी इनका सहयोग करेगी और मैंने इनको सबको बधाई दी है। धन्यवाद। ये दो दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, स्वतंत्रता सेनानी उनका परिवार, उनके कुछ ख्वाब थे आज़ादी के समय, जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संघर्ष किया, देश को आज़ाद कराया, तो आज़ाद भारत कैसा हो उनके कल्पना थी। ऐसा लगता है स्वतंत्रता सेनानियों को और उनके उत्तराधिकारियों को कि जिस उद्देश्य को लेकर वो लड़े, वह अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। वो कुछ अपना सजेशन सरकार को, समाज को, सबको देना चाहते हैं कि उनके पूर्वज क्या सोचते थे, कैसा देश बनाना चाहते थे, उसके लिए वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। दो दिन का ये कार्यक्रम है, यहाँ उस बारे में चिंतन होगा, मंथन होगा, फिर जो भी वो लोग निष्कर्ष निकालेंगे, निर्णय वो करेंगे, फिर उसको एक लिखित रूप में सरकार को दिया जाएगा, ताकि सरकार उनके मांगों को या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो अधिकार और जो देश उनके स्वप्नों का देश वो बनाना चाहते थे, उसके बारे में सरकार उसको कानूनी करे, इसके लिए वो प्रयास। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार का राष्ट्रीय सम्मेलन रखा है, यहाँ 22 प्रांत के लोग आए हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है हम स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाएंगे। कैसे बनेगा, यही मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हम चाहते हैं कि पूरे देश भर के स्वतंत्रता सेनानी परिवार एक सूत्र में बंधे और देश के हित में सोचें, उसी के लिए आगे बढ़ें। यही मेरा इन सभी सेनानी परिवारों से निवेदन है।